आज राष्ट्रवाद पर इतनी बहस क्यों, और ये जो कंफ्यूजन की स्थिति है सर, है बलदेव जी आप भी बताइएगा बाद में कि कहीं हम मिक्स कर रहे हैं राष्ट्रीयता राष्ट्रवाद, या हम समझने की भूल कर रहे हैं और उसमें हम, आप बोल रहे हैं कि राष्ट्रीयता विध्वंसक हो ही नहीं सकती, और जोशी जी कह रहे हैं कि राष्ट्रवाद बड़ा जो प्रकृति है, जो अवधारणा है वो बड़ी विध्वंसक है, तो ये क्यों सर? अगर हम द्वितीय विश्व युद्ध के दौर में थोड़ा सा जाकर देखें कि राष्ट्रवाद ने क्या किया, यानी राष्ट्रवाद ने ही हिटलर और मुसोलिनी पैदा किए, तो वो भी राष्ट्रवाद की ही अवधारणा थी। तो राष्ट्रवाद के बारे में देखिए, बहुत कोई कंफ्यूजिंग स्थिति नहीं है। बलदेव जी ने स्वीकार किया कि राष्ट्रीयता और राष्ट्रवाद के फर्क को, और मैं यही कह रहा था कि राष्ट्रीयता एक जोड़ने वाला विचार है, और हम एक ऐसे देश हैं जिसमें सांस्कृतिक बहुलता है, जिसमें भाषाओं की बहुलता है, जिसमें धर्मों की बहुलता है, जिसमें बहुत, यानी एक बहुलतावादी समाज हैं हम। और एक बहुलतावादी समाज में ऐसी कोई भी अवधारणा या ऐसा कोई भी विचार घातक होगा जो अदर्स और मैं में फर्क करता हूं, जो किसी को अदर मानता वो किसी को भी मानता, तो अदर नहीं, अदर जैसे ही आप मान लेंगे तो आप उस पर अन्याय करेंगे, उसका दमन करेंगे। तो इसलिए राष्ट्रवाद एक खतरनाक विचारधारा है कि वो हमेशा इसी प्रस्पेक्टिव में सोचती है कि एक अदर है जिसको, जिसका दमन मुझे करना है। तो मेरा कहना सिर्फ यही था कि राष्ट्रीयता की एक बड़ी भारी परंपरा है, और जो राष्ट्र का के कंसेप्ट की बात बलदेव जी ने कही, ये गलत धारणा होगी अगर कोई भी ये मानता है कि अंग्रेजों के आने के बाद राष्ट्र का उदय हुआ, तो ये गलत है। राष्ट्र राज्य एक अलग अवधारणा है, राष्ट्र एक अलग अवधारणा है। राष्ट्र तो बनता है, यानी बहुत सारी स्टेट्स थी, बहुत सारी रियासतें थी 1857 में, उन सब रियासतों ने कामन, पर उन रियासतों को हम देखें कि उन रियासतों में जो आर्थिक हित हैं वो कहीं टकराते नहीं हैं। तो आर्थिक और सांस्कृतिक हित जब समान हो जाते हैं तब राष्ट्र का उदय हो जाता है। तो राष्ट्र का उदय तो बहुत पहले हो चुका था, ये अंग्रेजों के आने के बाद की बात नहीं, अंग्रेजों के आने के बाद राष्ट्र राज्य बना। इसलिए कि एक बहुत सारी रियासतें खत्म हुई, फिर बहुत सारी रियासतों को, बल्कि कहना चाहिए कि सरदार वल्लभ भाई पटेल तक आते आते, यानी मैं भोपाल से आता हूँ और मुझे मालूम है भोपाल के इतिहास के बारे में कि नवाब भोपाल ने कहा कि ना तो हम पाकिस्तान में जाएंगे और ना हम हिंदुस्तान में जाएंगे, हम एक अलग रहेंगे। हम लोग कभी कभी मजाक में कहते हैं कि काश कैसा होता तो हम फॉरेनर कहलाते, तो ऐसा नहीं हुआ। तो ये बहुत सारी स्टेट्स थी, और ये दिलचस्प है कि भोपाल बहुत ही छोटी स्टेट थी, फिर भी उसका दबदबा बहुत ज़्यादा था। और हमीदुल्ला खान ने, जो नवाब भोपाल थे, उनने एक सारे राज्यों, सारी रियासतों के सामने एक प्रस्ताव रखा कि सारी रियासतें एक कॉमनवेल्थ बनाएं, उन्हें मर्जर नहीं किया जाए, उन्हें, उनका एक कॉमनवेल्थ बनाया जाए। तो ये नहीं संभव था, और सरदार पटेल ने बहुत बड़ा काम किया कि उनने रियासतों का मर्जर किया, उसके लिए आंदोलन भी हुए, भोपाल में विलीनीकरण आंदोलन हुआ और हैदराबाद में हुआ और बहुत सारी जगह। तो ये जो रियासतों का विलीनीकरण होके एक राष्ट्र राज्य, जिसका कि एक संविधान होता है, जिसका एक झंडा होता है, जिसके अपने चिन्ह होते हैं, तो वो एक बना, ये आज़ादी के बाद की प्रक्रिया है। अंग्रेजों के आने के बाद से वो रियासतों पे कब्जा करते रहे, पर उनने कभी भी रियासतों को मिलाया नहीं, और उसको कोई ऐसा राष्ट्र राज्य नहीं बनाया था जिसमें सारी रियासतें मिलकर एक देश बन जाएं। पर ये बिल्कुल, मैं इससे 100% सहमत हूँ कि राष्ट्र की संकल्पना या राष्ट्र का उदय बहुत पहले हो चुका था हिंदुस्तान में, क्योंकि वो तो कॉमन आर्थिक उद्देश्य और कॉमन सांस्कृतिक सारे उद्देश्य, तो सांस्कृतिक और आर्थिक जब हित समान होते हैं तब वो एक राष्ट्र पैदा होता है।